तो दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे कि आपके प्रिंटर में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि जब आप अपने प्रिंटर को से प्रिंट मारते हैं तो होता क्या है कि डायरेक्ट ब्लैंक पेज आ जा रहा है, या तो प्रिंट आता है बट आधा आधा आता है, आधा नहीं आता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं दोस्तों, आपको मिस्त्री के पास नहीं जाना है। यहाँ पर बात होती है कैनन की जो प्रिंटर आती है वो बहुत ही तगड़ा है। क्या है तगड़ा? मतलब अगर उसमें एक ऐसा फंक्शन दिया गया कि जैसे वो खुद से ठीक कर लेता है, बट यहाँ पे होता है कि आपको कमांड तो देना पड़ेगा लेकिन उस कमांड को देने के लिए भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ पे CMD का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बस बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा दोस्तों जो भी है कि आप अपने कैनन के प्रिंटर को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे बात है ये कि कैनन की किसी भी प्रिंटर को आप ठीक कर सकते हैं, यही मेथड होता है। बट यहाँ पे क्या है कि सबका डिजाइनिंग अलग अलग होता है लेकिन होता सब एक ही चीज़ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद ड्राइवर में जाना है, और यहाँ पे आपको प्रिंटर या ड्राइवर में जाना है। इस जो भी आपका प्रिंटर है कैनन का, मॉडल आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से मेंटेनेंस में चले जाना है। तो मेंटेनेंस में जाने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शन को आपको क्या करना है, यूज़ करना है। तो पहली बात बता देता हूँ कि अगर आपका प्रिंटर में छोटा मोटा इशू आ रहा है, हल्का फुल्का लिंक मतलब इंक का प्रॉब्लम आ रहा है, जब आपके प्रिंटर में ऑलरेडी इंक है ऑलरेडी प्रिंटर में, बट यहाँ पे क्या होता है कि हल्का हल्का आपका प्रॉब्लम आता है, फिर तो आप यहाँ पे क्लीनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लीनिंग में क्या है कि क्लीनिंग करोगे तो क्लीनिंग में भी दो टाइप का आता है दोस्तों, आप ग्रीन मतलब ऑल कलर यूज कर सकते हो या तो ब्लैक एंड व्हाइट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट यूज करो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा नहीं कि हल्का फल्का आपको लगे तो आप बार बार करो इस चीज़ को। ऐसा बार बार करोगे तो प्रॉब्लम यही आएगा कि आपका जो प्रिंटर है उसका इंक बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। जब भी आप उसको क्लीन करते हो तो क्या होता है ना कि वो जो पाइप है उस पाइप से ज़बरदस्ती धक्का मारता है और वो आगे बाहर निकलता है जो भी रुक जाता है। ये होता क्यों है कि ये मान के चलो 3-4 दिन 5 दिन तक अगर आप प्रिंट नहीं निकालते हो अपने प्रिंटर से तो ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, इसी तरीके से कर लोगे। अगर मान के चलो कि आपका प्रिंटर है अब पूरा ब्लैंक आ रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करना है दोस्तों, डीप क्लीनिंग करना है। डीप क्लीनिंग में भी ऐसा ही दो फंक्शन दिया है दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट यूज करना है या तो ग्रीन मतलब कलर में करना है। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हो। बट यहाँ पे बात होती है दोस्तों कि ये दोनों करने के बाद भी नहीं आता तो एक आप ऑप्शन देख रहे हैं नोजल का, नोजल भी चेक कर सकते हो। नोजल में अगर कोई इशू आएगा तो नोजल से भी, ये तीन इशू ही होता है दोस्तों। मेरे साथ अभी तक कम से कम 10 बार इस तरह का प्रॉब्लम आया कि प्रिंटर ब्लैंक आ रहा है, इस तरह से प्रॉब्लम आता है। मैं प्रिंटर को ठीक कर लेता हूँ, मतलब ब्लैंक पेज आता है तो आसानी से मैं ठीक कर लेता हूँ। ये बहुत बार होता है, ये नॉर्मल चीज़ है दोस्तों। ये कैनन का जो है प्रिंटर का जो इंक वाला आता है ना, जो 10-11 हज़ार का जो प्रिंटर आता है, उसमें ये प्रॉब्लम हमेशा नॉर्मली देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। टेक्निकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप मुझसे इंस्टाग्राम पे चैट भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो कमेंट पे जवाब तो ऐसा कभी कभी नहीं दे पाता हूँ क्योंकि कमेंट दिन में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे आता है तो मैं रिप्लाई बेसिकली दे ही देता हूँ।